जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है समाजशास्त्र में ये समझना किस प्रकार से व्यक्ति समाज में ढलता है। सोशलाइजेशन का मतलब हुआ कि किस प्रकार से एक व्यक्ति समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझता है। तो इसको समझाते हुए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था, आई और मी। आई का मतलब है हम बायोलॉजिकली जैसे हम पैदा होते हैं हमारे कुछ इंस्टिंक्ट होते हैं, हम चाहते हैं कुछ, एकदम बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होते हैं, फिजिकल सोशल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जी वेयर एज मी होता है वो जो समाज के बारे में, यानी समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर, अरे बहुत गर्मी है, मैं सारे अपने आराम से बिकनी में घूमू, मैं नहीं कर सकती क्योंकि समाज वो नहीं अलाउ मानता, करता अलाउ जी। करता। तो मुझे एक प्रकार के कपड़े पहन के एक तरह से होना चाहिए, जिस प्रकार से मैं स्विमिंग पूल में कपड़े पहन के नहीं घूम सकती, उसी जी प्रकार से। सो क्या होता है, बेसिक इंस्टेंट आई को हम लोग हमेशा मी में बदलते हैं, यानी कि हम जो किसी से इंटरेक्ट करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी, कूली का कॉन्सेप्ट, कूली का है एक एक और सोशोलॉजी से जिन्होंने कि सोशलाइजेशन के बारे में बोलते हुए ये बोला था, हम अपनी पहचान दूसरों की आंखों से करते हैं, हम जो सीखते हैं वो दूसरों की आंखों से। तो जब भी हम बात करते हैं हम दूसरों की तरफ देखते हैं, क्योंकि दूसरे की जो आंखें होती हैं वो हमारे लिए आईना की तरह होती है। तो हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो हम दूसरे के आंखों से देखते हैं। और इसको आगे समझाते हुए उन्होंने एक फुटबॉल का गेम भी बहुत अच्छी तरह से, हम लोग यहाँ पे फुटबॉल का गेम भी इसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल होता है, जैसे एक व्यक्ति होता है, वो जब समाज में अपने आप को ढालने लगता है तो फुटबॉल की गेम की तरह होता है, जैसे कि वो आगे अपनी बॉल को ले जाते समय हमेशा ये देखता है कि दूसरा फोकस्ड क्या रहता है कर रहा है, बिल्कुल। हाँ फोकस रहता है, और ये देखता हाँ है कि दूसरा कहाँ है। हाँ तो इसीलिए हम जब समाज में कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम ये देखें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। इसीलिए समाज में ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हम बाकी सोशियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि समाज को एक तरह से पढ़ सकते हो, आप एक तरह से देख सकते हो कि समाज और एक व्यक्ति एक जैसा हुआ, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अनेक भाग होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी होती है जिसके अनेक भाग होते हैं, समाज के भी अनेक भाग होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो हम लोग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन रहे, एक ऑर्डर बना रहे, जी तो इस तरह से। और दूसरा इन्होंने और आगे बढ़ते हुए इसी को आई एंड मी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो रोल्स होते हैं वो किस तरह समझते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला खेल खेलते हैं किचन का या डॉक्टर डॉक्टर नर्स नर्स का। हाँ इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट बच्चे का जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो डॉक्टर के साथ। आपने हम लोग वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, बड़े लोग बच्चे को अपने वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते, तो क्या होता है उनका जो फर्स्ट होता है इंटरेक्शन होता है वो आउटसाइडर के साथ, डॉक्टर के साथ। तो उसलिए क्या करते हैं वो डॉक्टर डॉक्टर खेल के समझ सकते हैं कि किस तरह से उनको अनुभव करना चाहिए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं बच्चे रो मत, खेलते हुए बच्चों को आप देखते हैं तो इस तरह से बात करते हैं। खैर आजकल तो ये इंटरनेट टीवी आने के बाद काफी बच्चे अवेयर भी आजकल हो चुके वैसे हैं खेलते नहीं है, जी। बट जब हम छोटे थे तो इसी तरह से खेलते थे। दूसरा हो गया किचन, या लड़कियां मम्मी खासकर डैडी, हाँ छोटी बच्ची छोटियां बच्ची और बच्चे हाँ लोग किचन का खेलते हैं, क्योंकि दूसरा होता है खाने बनाने का, बिकॉज वो हमेशा जो देखते हैं अपनी मदर को या फादर को किस प्रकार से वो खाना बना रहे हो, किस प्रकार से उनको फीड कर रहे। तो जो रोल होता है अपना, जो समाज में रोल होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं दूसरे को देखते हैं कैसे प्ले करते हैं और वो हम उसको प्ले करके सीखते हैं। तो अगर मुझे कुछ सीखना हो तो पहले मैं ये देखूंगी कि आपके नजरिए से देखूंगी और फिर मैं सीखूंगी। इससे क्या होता है कि समाज में एक संयम बना रहता है। ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जी। थियरी है।